So the topic here is mass and weight. See students, most of the students are not aware about what is the difference between the mass and weight. These two are different terms, but there is a slight difference between what is mass and weight. Now this like you can see, this is a difference between, maybe they can ask what is the difference between a mass and weight, but in general you should know. See, mass is the amount of matter present in an object, whatever object you consider. The mass is the amount of matter in that object. Okay, object, consider yourself as an object. The amount of matter, all the muscles or the whatever, the cells, the tissues, whatever your body is made up of, that is considered as a matter. Theek hai, to jitna matter, the amount of matter you have in your body is the mass. Okay, but weight different hai. वेट पे मैं आऊंगी, पहले मास समझ लो क्या है. ठीक है, सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज, इसका SI यूनिट kgs है. देखो ये देख के पहले ही डाउट आएगा तुम लोगों को कि मैम वेट तो हम लोग जब वेइंग मशीन में हम लोग वे करते हैं तो हम लोग तो वेट बोलते हैं. इवन डॉक्टर्स आस्क व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर हाइट, राइट? दिस क्वेश्चन विल बी रिजॉल्व्ड आफ्टर ऑल दीज पॉइंट्स. सो वेट, सी हियर, SI यूनिट kg. ओके, it's a scalar quantity. What is a scalar quantity? Scalar means uska sirf magnitude hota hai, direction nahi hota, only magnitude. Magnitude matlab kya, measure karke hum log jo ek amount measurement hai na, 1 kg of sugar, 1 kg is the magnitude of sugar, hai ki nahi? Sugar ka koi direction hai kya? 1 kg of sugar towards the east, कभी सुना है? नहीं. तो शुगर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन. समझा? तो वैसे ही मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. सेम, इट इज सेम एवरीवेयर. सेम एवरीवेयर मींस इट इज सेम एवरीवेयर. एक बात हमेशा याद रखो, मास कभी भी चेंज नहीं होता. जो मास आपका है वो मास, आप अर्थ में रहो, आप मून पे जाओ, आप फ्लाइट में बैठो, कहीं भी जाओ, आपका मास सेम रहेगा. मास कभी चेंज नहीं होता. तो हमेशा याद रखना, द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस, इट इज सेम एवरीवेयर. ओके, ठीक है. तो वी आर डन विद द मास का पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट विद वेट. नाउ व्हाट इज वेट? इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. नहीं समझा? मुझे पता है नहीं समझा, सुनो मेरी बात. हम लोग अर्थ पे है अभी, ठीक है. हमारे बॉडी का जो भी मैटर है, जिस चीज़ से हमारा बॉडी बना है, वो है मास. ठीक है, अब मास और वेट रिलेटेड कैसे है सुनो. सपोज कंसिडर कर लो, एक्स हमारा मैटर अंदर है, एक्स मैटर है, वो हमारा मास है. एक बार जब वो मास अर्थ पे आया, अर्थ पे क्या है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, सबसे यूनिक है. क्यों? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर. इसके लिए इट इज़ द यूनिक प्लैनेट, राइट? किधर पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही आज सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वरना कोई आज इधर तो कोई उधर होता. बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी वन इज मूविंग इन इट्स ओन, लाइक यू कैन से एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, तो सुनो मेरी बात, अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है. मेरा कुछ तो मैटर है, लेकिन मैं अब कहाँ हूँ? मैं अर्थ पे हूँ. तो अर्थ मुझे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. मैंने क्या बोला था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अर्थ या कोई भी चीज़ किसी को अट्रैक्ट करना हो तो उसे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. और जहाँ फोर्स आया वहाँ क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, है कि नहीं? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, ये पेन ऐसे है, मून नहीं है कि ये हवा में रहेगा, बराबर है, ये अर्थ है, इसलिए अगर मैंने यहाँ से इसको छोड़ा तो ये सीधा नीचे जाएगा. क्यों गया? बिकॉज कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से खींच, अर्थ पे जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है. एंड जैसे ही फोर्स आता है वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आता है, दैट इज स्मॉल जी. याद है? यस. अगर याद नहीं है तो पढ़ो, जिसने भी
नहीं देखा है पहले के वीडियोस, यू डू वॉच इट, बिकॉज अगर वो समझा है तभी ये समझेगा, नहीं वरना नहीं समझेगा. तो जाओ और पहले वो वीडियोस देखो, पहले वो कंसेप्ट क्लियर करो, फिर ये पढ़ने आओ. बिकॉज ये लगता है बच्चों को कि बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तो बहुत ऐसे मतलब टाइम पास है, चलता है, मत करो. ऐसा नहीं है, इस पर इतने क्वेश्चंस आते हैं ना. और अगर ये तुम्हारा क्लियर नहीं हो ना, इसके बाद के टॉपिक जो भी है हम लोग करने वाले, फ्री फॉल एंड ऑल एवरीथिंग, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सुनो मैं कहाँ थी. हाँ, तो अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को. तो जैसे ही उसने ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करना चालू किया, तो वो ऑब्जेक्ट का क्या होने लगता है, एक्सेलरेशन होने लगता है. एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, बराबर. तो दिस वेट इज नथिंग बट दैट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. अब किसी चीज़ को आप खींचो, आप खींच रहे हो, तो उसका एक अलग मैग्नीट्यूड बन जाता है. मैंने एक चीज़ को रख दिया सिर्फ, तो उसका सिर्फ क्या है, जिस चीज़ से बना है वो, जो भी मैटर से बना है वो उसका मास है. बट अगर उसी मास को आप अगर अट्रैक्ट करना शुरू करो, खींचना, एक फोर्स से खींचना शुरू करो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेट. ओके, तो वेट इज़ नथिंग बट, इट इज़ नथिंग बट एज द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. ओके, विच अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. एंड वो कौन अट्रैक्ट करता है, अर्थ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, स्पेसिफिकली अर्थ. तो इसका मतलब क्या है कि वेट जो अर्थ पे है वही वेट मून पे नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका जो फोर्स है अट्रैक्ट करने का, इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, उसका एक वैल्यू है 9.8, है ना. और ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अलग है कि नहीं. तो इसके लिए दिस वेट इज़ नथिंग बट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. मुझे अभी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, और मैं अभी डॉक्टर के पास जाके अगर वे किया, वेइंग मशीन में, डॉक्टर अभी तो सबके घर पे रहता है ना, कहीं पे भी चलो, वेइंग मशीन में मैंने वे किया खुद को, तो मेरा एक अमाउंट, एक क्वांटिटी आएगा. दैट इज़ नथिंग बट, दैट इज़ एक्चुअली नथिंग बट एज द वेट. बिकॉज उसमें कैसा है, मेरा मास भी आ गया और जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है वो भी आ गया, दैट इज़ वेट. ओके, बट एक्चुअली हम लोग के जी क्यों लिखते हैं, बिकॉज एक्चुअली वी आर वॉट, वी आर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द बॉडी. अंडरस्टूड, वेट हम लोग सिर्फ बोलते हैं उसको. मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैंने वे किया, दैट विल बी माई मास. मेरा कितना मास है बॉडी में वो मेरा वेइंग मशीन में दिखाएगा. मेरा वेट विल बी दिस, I will calculate my weight by this. Mass मुझे मिल जाएगा into 9.8 करूँगी ना, तो वो मेरा weight है. और weight का SI unit क्या होगा, since weight is a force, so उसका SI unit will be Newton. Force का भी Newton है, तो इसका भी Newton. It is a vector quantity. अब सुनो, यहाँ पे है twist. क्यों ये vector quantity? हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि this weight, see हम लोग जो बोलते हैं अभी, तुम्हारा weight towards north, towards south, क्योंकि वो मास है, वो एक्चुअली वेट नहीं है, वो मास है जो हम लोग वे करते हैं. अंडरस्टूड, हमेशा ध्यान में रखना कि भले हम वेट टर्म यूज़ करते हैं, मास यूज़ नहीं करते रेडिली, वेट ही यूज़ किया जाता है, बट एक्चुअली हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं वो मशीन पे, हमारा मास. अंडरस्टूड, वेट कैलकुलेट करना है तो वो मास इंटू 9.8 कर दो. अभी ये सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, एफ का फॉर्मूला पता है, एम इंटू जी. जी हमने कैलकुलेट किया था पहले वीडियोज़ में, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो दिस इज़ नथिंग बट द वेट का फॉर्मूला अल्टीमेटली ऑन अर्थ, ऑन अर्थ. ठीक है, तो सिंपली मास मिल गया तो अपने को मिल जाएगा इंटू 9.8 करके. अब एक बात सुनो, वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर इज नथिंग बट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. ठीक है, मैग्नीट्यूड तो चलो न्यूटन में हम कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन क्यों आया, क्योंकि यहाँ स्मॉल जी है. मैंने एक वीडियो, लास्ट वीडियो बनाया था, वेरिएशंस ऑफ जी. जहाँ जहाँ जी चेंज होगा वहाँ वहाँ वेट भी चेंज होगा. और जी कहाँ कहाँ चेंज होता है, अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो, अगर आप डेप्थ में जा रहे हो तो, है ना. देयर वर वेरियस पैरामीटर्स, अर्थ से रेडियस से दूर, रेडियस से पास, ऊपर नीचे, बहुत सारा पैरामीटर्स था. वो भी किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देख लो, मैंने पहले ही बोला था वो देखना ज़रूरी है. तो जैसे जैसे जी चेंज होगा वैसे वैसे डब्ल्यू भी चेंज होगा. देयर फोर डब्ल्यू नीड्स अ डायरेक्शन, कि बाबा ठीक है वेट इतना है, बट कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, व्हाटएवर द डायरेक्शन में भी. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी.
Next, it is not same everywhere. Why it is not same everywhere? Because as G is not same everywhere. Right na? G thoda thoda fluctuate hota hai na? Zyada nahi hota but thoda sa to hota hai na? Hum maine bataya tha na last video mein, wo acche se dekho kaise kaise G fluctuate hota hai. To agar G change ho raha hai to W bhi definitely change hoga. Okay? So you note down all these points aur isko thoda practically fit kar lo apne dimag mein. Aise rattoge to kuch nahi hoga. Ratna nahi hai. Ye maine bhi apne time pe ratta tha kyunki koi एक्चुअली नॉलेज ही नहीं था ना कि होता क्या है. तो इसको लिखो और समझ लो, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज रखो. ठीक है. यस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल. बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस टॉपिक, वन पॉइंट आई हैव मिस्ड इट फॉर मास. मास में एक पॉइंट आपको दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, मास इज डिस्क्राइब्ड एज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. Now what do you mean by this line? Measure of the inertia of the object. See students, inertia matlab ek object ka tendency to hold it at that place. Abhi mera inertia kya hai, mera tendency to hold myself at this place, this is my inertia. जब तक कोई मुझे फोर्स नहीं लगाएगा या मैं जब तक खुद का फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक मेरा पोजीशन चेंज नहीं होगा. बराबर ना. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है तो मतलब क्या, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है कि नहीं. वो आराम से एकदम टाइटली होल्ड करके रह सकता है तो उसको फोर्स भी ज़्यादा लगेगा पोजिशन चेंज करने के लिए. अंडरस्टूड. सो हायर द मास हायर द इनर्शिया. तो अल्टीमेटली अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है, सपोज बहुत टिका हुआ है और उसको फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब समझ जाने का कि उसका मास बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो दैट वॉज द पॉइंट इन मास. नेक्स्ट इज फ्री फॉल. सी फ्री फॉल नाम से पता चल रहा है फ्री फॉल है क्या. फ्री फॉल, फॉलिंग फ्रीली, नो रिस्ट्रिक्शंस, नथिंग, फॉलिंग फ्रीली. तो इसका मतलब क्या है, अभी ये पेन, ये मार्कर मैंने इधर पकड़ा, जैसे ही मैंने इसको नीचे छोड़ा, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे ही छोड़ा तो नीचे गिरेगा. बराबर है. कोई भी चीज़ आप पकड़े हो और जस्ट आप हाथ से, आपका ये क्यों होल्ड में क्यों है, यहाँ पे क्यों ऐसे होल्डिंग पोजीशन पे है, बिकॉज मैंने फोर्स लगाया है, मेरे हाथ का फोर्स है इसीलिए वो यहाँ पे है. एक बार मेरे हाथ का फोर्स निकला तो वो सीधा जाएगा नीचे. नीचे क्यों जाएगा, मैंने जैसे बताया था क्यों, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. बराबर. सिंपल सा है. दिस मार्कर इज अंडर फ्री फॉल. वेन आई लीव दिस मार्कर इट इज़ अंडर फ्री फॉल. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज we can say that object is in free fall. The definition is object moving due to force of gravity. है ना. जब मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या है, मैं तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो नीचे जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है. समझ गया बात. नेक्स्ट इज, ठीक है चलो, फ्री फॉल में है, समझ गया. अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको पहले तो अपवर्ड्स खींचा, पहले तो मैंने थ्रो किया, सपोज स्टोन को थ्रो किया तो मेरा फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा. तो इसका वेलोसिटी भी अपवर्ड्स, वेलोसिटी मतलब स्पीड, जिस स्पीड से वो जाएगा वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स कैसा लगा रहा है, नीचे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है. बराबर है ना. इधर जब मैंने स्टोन को ऊपर फेंका, फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, वो स्टोन भी ऊपर ही गया वही डायरेक्शन में. एट अ पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मैंने बताया था. ये ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है, जो फोर्स है अर्थ का, वो कंटिन्यूसली वो ऑब्जेक्ट को खींचते रहता है, लेकिन वो पता नहीं चलता है क्योंकि अपना फोर्स इसके फोर्स से ज़्यादा है, तो वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है स्टोन, एंड देन वहाँ से फिर नीचे आता है ना. ऐसा नहीं कि उड़ते उड़ते चले गया ऊपर, ऐसा तो नहीं होता है. तो एक पॉइंट के बाद नीचे आता है. वो पॉइंट कब आता है, जब वी बिकम्स ज़ीरो. व्हेन वी बिकम्स ज़ीरो, दैट पॉइंट इज वेयर द स्टोन स्टार्ट्स फ्री फॉलिंग. फ्री फॉल स्टार्ट हो जाता है स्टोन का, तो फिर मूव होना वो नीचे होता है. बराबर. नीचे स्टार्ट हो जाता है. तो अब इसका वेलोसिटी ये हो गया, सपोज जाते वक्त उसका v1 था, अब हो गया v2. अंडरस्टूड. तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्कीमेटिकली बताया. अब मुझे बताओ, जी जो है, जी अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसका डायरेक्शन हमेशा खींचते ऐसे ही रहता है,
इसका जी का, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे एज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपने तरफ खींचता है, तो दिस इज़ पॉजिटिव. अब मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट जब मैंने ऊपर फेंका था, फोर्स ऊपर लगा था, वेलोसिटी भी, स्टोन भी ऊपर ही गया था, तो तब क्या रहेगा जी? बताओ जी, तभी नेगेटिव में जा रहा था, नेगेटिव ना, जी का ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो आप अगर ऑपोजिटली एक्सेलरेट कर रहे हो, तो अगर हम लोग ने पूछा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव जी कब होता है? जब कोई चीज़ नीचे आ रही है. तो जब ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव, एंड जब वो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, जब उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, नीचे आ रहा है, तो जी पॉजिटिव. समझ में आ रही है बात? तो ये पॉजिटिव हो जाता है एंड ये नेगेटिव हो जाता है. दिस इज़ ओनली फॉर जी. हाँ, फोर्स ये सब नॉर्मल हमारे फोर्स वेलोसिटीज के लिए नहीं है, ओनली कंसिडरिंग जी. अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर फेंका, मतलब मैं अपने फोर्स से उसको ऊपर फेंक रही हूँ, वो उतने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही रहता है. और अगर उसके अगेंस्ट आप कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उसको नेगेटिव कर रहे हो, बराबर है कि नहीं? तो वो नेगेटिव उसका एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट का, अकॉर्डिंग टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. जब नीचे आता है तो पॉजिटिव. अंडरस्टूड? ये साइन कन्वेंशन याद रख लो. अभी अगर सपोज, अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं ऊपर फेंका, वी जब जीरो हो जाता है तब वो नीचे आना स्टार्ट हो गया. जब नीचे आना स्टार्ट हुआ ये ऑब्जेक्ट, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, क्योंकि ख़त्म हो गया सब वेलोसिटी, जीरो. इसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होके जब मैंने फोर्स लगाया तो इंक्रीज हुआ, करेक्ट है? अब इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, फ्री फॉलिंग, दिस इज फ्री फॉल. हाँ, ओके, यहाँ पे जी खींच रहा है उसको, दिस इज पॉजिटिव, जी खींच रहा है ऑब्जेक्ट को और ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है. U इनिशियली जीरो ही होगा, फिर इंक्रीज होते 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 जाएगा, जैसे जैसे इसका फोर्स खींचता रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन उसका है V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो इधर इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट U जीरो है तो V इज इक्वल्स टू ए टी. सेकेंड, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? जी. तो जी टी भी लिख सकते हो आप, नो इश्यूज, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल की बात कर रहे हैं. अब इधर क्या आएगा? यू तो जीरो है ना, यू जीरो है, इधर हाफ ए टी स्क्वायर. थ्री, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. यू जीरो है तो क्या आएगा? टू ए एस. Understood? Now here the acceleration can be replaced by small g, because this is acceleration due to gravity. Free fall मतलब वो object में कोई force नहीं लग रहा है, तो मतलब उसके पास कोई अलग acceleration नहीं है, उसमें सिर्फ earth का gravitational force लग रहा है, तो मतलब small g का acceleration. ठीक है, समझ गया? This is all about free fall. अब कभी कभी याद रख एक चीज़ देखो, जो मैंने बोला ना कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही सारे प्लैनेट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं. क्यों? फ्री फॉल मतलब क्या? फ्री फॉल अपने तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके रखता है कि नहीं? अब मून पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए जहाँ तक उनका वो अट्रैक्ट कर सकता है, जब एक लिमिट होगा ना रे, एक क्रिएट होगा. अब मेरे को बताओ ट्रू फ्री फॉल किधर होएगा? इधर ट्रू फ्री फॉल नहीं है. ट्रू फ्री फॉल मतलब आपने ऑब्जेक्ट को गिराया, उस पर कोई भी फोर्स लगना नहीं चाहिए, कोई भी फोर्स नहीं, अनलेस सिर्फ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, बाकी कोई फोर्स नहीं. तो आप बोलोगे मैम इधर कौन सा फोर्स लग रहा है जब नीचे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट? लग रहा है, एयर में अपना फ्रिक्शनल फोर्स होता है, होता है ना, एयर का जो भी पार्टिकल्स है उसका फ्रिक्शनल फोर्स, बॉयंट फोर्स. व्हाट इज बॉयंट फोर्स? बॉयंट फोर्स इज द एबिलिटी टू मेक द ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग. जैसे पानी में, स्विमिंग पूल में एक बॉल डाल दो, वो नीचे जाएगा क्या? वो ऊपर ही रहता है. क्यों? क्योंकि वो पानी का बॉयंट फोर्स उस पर लग रहा है, इसलिए वो फ्लोट होता है. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस लगते हैं इधर ये ऑब्जेक्ट पे, ये तो लगता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ट्रू फ्री फॉल नहीं हुआ. ट्रू फ्री फॉल फिर किधर होएगा? वैक्यूम में. वैक्यूम में कोई एयर नहीं, कुछ नहीं, वैक्यूम पता है ना, नो एयर, तो वहां पे होता है ट्रू फ्री फॉल. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री फॉल.
okay, and these points are mentioned in your textbook. You also go through your read the textbook. It is very important. 10 students, आपको textbook read करना बहुत important है. In case कुछ नहीं समझ रहा तो you can even ask me in the comments. Okay, so next we will move on to gravitational potential energy.